हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, आलिम और फाजिल पार्ट वन, टू और थ्री, आलिम का और फाजिल का पार्ट वन और टू का एग्ज़ाम जो है जून 2023 में आयोजित कराया गया। लगभग अब आपको 2 महीने हो चुके हैं, रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। और तो बच्चे यही सोच रहे हैं कि आखिर रिज़ल्ट कब तक जारी किया जाएगा, उसकी जानकारी हमें दें। तो इस वीडियो के माध्यम से इसी पर हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब बात रही कि आलिम और फाजिल जो परीक्षा जून 2023 में हुआ है, उसका रिज़ल्ट आखिर कब तक जारी किया जाएगा। तो अभी आपका कॉपी जांच चल रहा है, ठीक है, यानी कॉपी आपका मूल्यांकन हो रहा है। जैसे ही मूल्यांकन पूरा हो जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा। ऐसे तो मिनिमम 3 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में, मगर आपको अभी 2 मंथ हुए हैं, तो इसलिए आपको सितंबर के लास्ट वीक तक वेट करना है। जहाँ तक मुझे पता लगा है कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे बताया गया है कि आपका अभी मूल्यांकन चल रहा है और डेट फिक्स नहीं है कि कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। वैसे आपको लास्ट तक, सितंबर के लास्ट तक हो सकता है कि रिजल्ट दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको अक्टूबर में रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि मिनिमम 3 महीने लग जाते हैं आलिम और फाजिल के रिजल्ट आने में, ज़्यादा समय लिया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी और भी न्यूज़ अगर मिलता है हमको तो जल्दी से आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।